नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास जो है वो रहेगी एमएस एक्सेल के अंदर फंक्शन पे भी। इनमें आज कौन सा फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं अपने, एक तो फंक्शन है काउंट, कौन सा है काउंट है, एक है काउंट ब्लैंक है और एक है काउंट ए फंक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है किसका, काउंट ए का। देखा जाए ना तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला फंक्शन है इन तीनों में से, काउंट फंक्शन बहुत बार पूछा गया है। अब कैसे पूछा जाता है, काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट फंक्शन क्या नहीं करता है। अब आ गया काउंट ए क्या करता है, काउंट ए क्या नहीं करता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अभी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को कर दीजिएगा लाइक, और दोस्तों के साथ जरूर करिएगा शेयर। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा, शेयर करिएगा। ये जो क्लास है, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, एक 24 घंटे के लिए आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइएगा इस क्लास का। क्यों कह रहा हूं मैं आपको ये, ताकि जो चीजें अच्छी है, महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो सब तक पहुंचे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जो सवाल आते हैं ना, काउंट पे हैं, काउंट ब्लैंक पे अभी अपने करेंगे तो आपको ये चीजें भी क्लियर हो जाएगी। तो कर दीजिएगा दोस्तों शेयर और अपने स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से फंक्शन पढ़ेंगे अपने, एक तो काउंट है, एक क्या है काउंट ब्लैंक, और एक कौन सा है काउंट ए है। अगर आप ना इसकी सारी जो क्लासेज होती है इनकी अगर पीडीएफ चाहिए ना आपको, तो भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर का टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप मान लो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या टेस्ट देना चाहते हैं तो भविष्य कोचिंग का जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जो कोचिंग का एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आने वाले टाइम में आपको टेस्ट सीरीज के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। धीरे धीरे उस पर काम चल रहा है, अपडेट हो रहा है सारा का सारा सिस्टम। अभी जैसे टेस्ट सीरीज की बात करें तो मैं सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज भी शुरू करने जा रहा हूँ एप्लीकेशन पे, तो आने वाले 2 से 3 दिन में आपको इसकी जानकारी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से दे दी जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज बात करते हैं, अपने पास है काउंट, काउंट ब्लैंक और काउंट ए फंक्शन है। चलिए सबसे पहले अगर बात करें तो इन फंक्शन को समझने के लिए ना अपने एक्सेल की एक शीट बना लेते हैं, एक सारणी बना लेते हैं, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि ये किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये चीजें मैंने आपको बताई हुई है कि एक्सेल के अंदर जितनी भी वर्टिकल लाइन होती है, एक्सेल के अंदर जितनी भी क्या होती है वर्टिकल लाइन होती है, ये होती है हमारी वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन एक्सेल में क्या बनाती है, कॉलम बनाती है। क्या बनाती है, कॉलम बनाती है। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बनाती है दोस्तों, रो बनाती है। तो ये हमारी कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक्सेल में वर्टिकल लाइन कॉलम और हॉरिजॉन्टल लाइन रो बनाती है। रो और कॉलम मिलकर सेल बनाते हैं। एक्सेल में प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है, कॉलम का लेबल होता है। कॉलम का क्या होता है, लेबल होता है। रो का क्या होता है, नंबर होता है। रो का क्या होता है, नंबर होता है। और सेल का क्या होता है, एड्रेस होता है। अब अपनों ने जो फंक्शन समझने हैं वो है काउंट, काउंट ब्लैंक और काउंट ए है। सबसे पहले इनके अंदर कुछ अपन वैल्यू डालते हैं, जैसे मान लो मैंने यहां लिखा 20, 30 ए, और जैसे मान लो ए 15 हैश 16। अब ये है, पहले तो मैं यहां एक चीज क्लियर कर देता हूं कि एक्सेल के सेल के अंदर अगर आप कोई भी क्या डालते हैं, वैल्यू डालते हैं, तो दोस्तों जो वैल्यू आप लिखते हैं ना वो सेल में कहां लिखी जाती है, राइट साइड में, बॉटम में लिखी जाती है। राइट साइड में कहां लिखी जाती है, बॉटम में लिखी जाती है। जो भी वैल्यू लिखोगे वो कहां जाएगी, राइट साइड प्लस बॉटम में लिखी जाएगी। अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछा गया है कि सेल में वैल्यू किस साइड अलाइन होती है, तो राइट साइड और बॉटम साइड। लेकिन अगर आप किसी भी सेल में वैल्यू के स्थान पर क्या डालते हैं, टेक्स्ट अगर डालते हैं, तो टेक्स्ट किस साइड लिखा जाता है, लेफ्ट प्लस बॉटम में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, लेफ्ट प्लस बॉटम। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी आपकी ए से जेड तक हो सकते हैं अल्फाबेट, या आपके कोई भी क्या हो दोस्तों सिंबल हो, तो वो एक्सेल की भाषा में क्या है, टेक्स्ट है। नंबर का मतलब केवल किससे है, जीरो, और जीरो से लेकर 9 तक की बात होती है। तो सेल की बात करें तो सेल में जैसे मैंने 20-30 लिखे हैं तो ये राइट साइड बॉटम में लिखे गए हैं। जैसे ए लिखा है और हैश लिखा है तो ये लेफ्ट साइड कहां लिखे गए हैं, बॉटम में लिखे गए हैं। तो ये सवाल भी दोनों मैंने आपको बहुत अच्छे सवाल बताए हैं कि सेल में वैल्यू किस साइड लिखी जाएगी, राइट साइड बॉटम में, और टेक्स्ट किस साइड लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड बॉटम में। तो अब स्टूडेंट बोलते हैं सर
सिंबल कहां लिखे जाएं, तो सिंबल एक क्या होते हैं हमारे अल्फाबेट या फिर टेक्स्ट की कैटेगरी में इनको काउंट करते हैं। तो ए से जेड तक कोई भी अल्फाबेट हो या कोई आपका स्पेशल सिंबल हो वो किस साइड लिखा जाएगा, लेफ्ट प्लस है बॉटम में लिखा जाएगा। अब अगर बात करें तो सबसे पहले आज का फंक्शन है वो कौन सा है, काउंट फंक्शन है। आप सबको पता है किसी भी फंक्शन की शुरुआत कहां से होती है, इक्वल से होती है। फंक्शन कौन सा है, काउंट है। अब पहले तो इक्वल साइन है, उसके बाद फंक्शन की शुरुआत है, ब्रैकेट क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, उसके बाद अपने को जो फंक्शन लगाना है उसकी पूरी रेंज बतानी पड़ेगी। तो ये रेंज है दोस्तों C1 से लेकर C6 तक, C1 से लेकर C6 तक। तो जो रेंज क्या है अपनी, C1 से स्टार्ट होकर कॉलन C6। ये भी मैंने आपको, अगर किसी को नहीं पता कि रेंज कैसे लिखते हैं तो इसे प्रीवियस क्लासेस देखेंगे, तो उसमें मैंने रेंज भी बताया हुआ है कि रेंज कैसे लिखते हैं। और रेंज में दो सिंबल यूज होते हैं, कोमा होता है और एक क्या होता है, कॉलन। कोमा का यूज रेंज को लगातार लिखने, अलग अलग लिखने के लिए करते हैं, और कॉलन का यूज रेंज लगातार लिखने के लिए करते हैं। तो अपनी रेंज क्या है, लगातार है, C1 से लेकर C6 है। अगर आप इसको बंद कर देते हैं यहां पर तो आपके सेल में आउटपुट क्या होगा, यानी कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो देखिए दोस्तों काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट फंक्शन क्या करता है, 1 2 3 4 5 6 यहां तक लगाया अपनों ने, तो इस तक लगा हुआ है C1 से C6 तक। तो अपने को केवल इतने ही एरिया का ध्यान रखना है C1 से लेकर C6 तक का। अब काउंट फंक्शन क्या आंसर देगा, 1 2 3 4 5 6 देगा या 1 2 3 और 4 देगा, ये सवाल है। तो ध्यान देना, काउंट फंक्शन काउंट करता है उन सेल को जिनमें नंबर होते हैं। काउंट फंक्शन काउंट करता है उन सेल को जिनमें नंबर होते हैं। काउंट फंक्शन काउंट करता है उन सेल को जिनमें नंबर होते हैं। नंबर वाले सेल 1 2 3 और 4 है, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, 4 आ जाएगा। तो काउंट फंक्शन काउंट करता है उन सेल को जिनमें क्या होते हैं, नंबर होते हैं। लेकिन देखा जाए तो ए और हैश वाले सेल को इसने काउंट नहीं किया, क्योंकि इन सेल में क्या है, टेक्स्ट है। तो एग्जाम में सवाल क्या पूछा जाता है, काउंट फंक्शन क्या करता है, ए से लेकर जेड तक कोई भी अगर वैल्यू सेल में लिखी होती है उनको काउंट करता है, नहीं ऐसा नहीं करता। वो कहता है कि किसी भी सेल में सिंबल लिखे होते हैं उनको काउंट करता है, नहीं ऐसा भी नहीं करता है। वो कहता है कि ए से जेड तक वैल्यू और सिंबल वाले उन दोनों सेल को काउंट करता है, नहीं ऐसा भी नहीं करता। तो फिर क्या करता है, तो काउंट फंक्शन उन सेल को काउंट करता है दोस्तों जो क्या होते हैं, 0 से 9 की वैल्यू रखते हैं। तो उनको काउंट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। ये चीज बात किसके बारे में, काउंट फंक्शन के बारे में। एक सवाल और कर लेते हैं काउंट के बारे में ही। ये देखिएगा, यहां मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूं, जैसे 30 है, 40 है, 36 है, 45 है, और ये जैसे सेल खाली है। अब अपनों ने इसको वापस लगाना है, तो कैसे लिखेंगे, फंक्शन कौन सा है, काउंट है, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज लगानी है A1 से लेकर A6 तक। कहां से कहां तक लगाना है, A1 से लेकर A6 तक लगाना है। तो लिख दो A1 colon A6। तो पहले ये देख लेना कि सेल की रेंज कहां तक है, तो ये ध्यान रखना है A1 से लेकर A6 है। तो अब बताइए कि रिजल्ट हमारा क्या होगा। देखिए पहले कौन सा फंक्शन है, काउंट है, कहां से शुरू हुआ, A1 से कहां तक जाना है, A6 तक है। तो क्या करेगा, उन सेल को काउंट कर देगा जिनमें नंबर है। तो नंबर वाले सेल कितने हैं, 1 2 3 और 4 है। तो हमारा रिजल्ट इसका भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि यहां अल्फाबेट था उनको काउंट नहीं किया, और इधर खाली था तो उनको भी काउंट नहीं किया। तो केवल कौन सेल को काउंट कर रहा है, जिनमें क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनको काउंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। अब अगर बात करें काउंट फंक्शन के साथ है दूसरा एक और फंक्शन है, जिसको हम क्या कहते हैं, काउंट ब्लैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक फंक्शन। काउंट ब्लैंक फंक्शन की बात करें तो रेंज मैंने लिख दी, जैसे C1 से लेकर C6 रेंज क्या लिखी है, C1 से C6 है। C1 से लेकर C6 की बात करें तो हमने कौन सा फंक्शन लगाया है, काउंट ब्लैंक लगाया है। काउंट ब्लैंक की बात करें तो अब रिजल्ट क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे सेल है
जिनमें किसी में तो नंबर लिखा हुआ है और किसी में क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, किसी में सिंबल है। तो काउंट ब्लैंक फंक्शन क्या रिजल्ट देगा, या तो जीरो देगा या दो देगा, ये सबसे बड़ा डाउट रहता है स्टूडेंट के मन में। तो काउंट ब्लैंक फंक्शन का रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो काउंट ब्लैंक क्या करता है दोस्तों, उन सेल को काउंट करता है जो दी गई रेंज में बिल्कुल खाली हो, जो दी गई रेंज में बिल्कुल क्या हो, खाली हो। उन सेल को काउंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, काउंट ब्लैंक का यूज करते हैं। बताइए यहां कोई खाली सेल है क्या, नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, जीरो हुआ। सेम क्वेश्चंस है, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लेते हैं, इस रेंज पर अप्लाई करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा, काउंट ब्लैंक कौन सा फंक्शन है, काउंट ब्लैंक। इसकी रेंज बताइएगा पूरी है, A1 से लेकर A6 तक लगाना है अपनों ने, तो A1 से लेकर क्या लिखा, A6 लिखा। अब रिजल्ट क्या होगा, फंक्शन देखें पहले तो कौन सा है, काउंट ब्लैंक है। काउंट ब्लैंक क्या करता है, ये आप सबको पता चल गया कि उन सेल को काउंट करेगा जो रेंज में बिल्कुल खाली होंगे। तो खाली सेल कौन से हैं, एक तो 3 नंबर सेल है और एक 6 नंबर है। देखो कहां तक लगाया, 6 तक। अगर ये 5 तक लगा होता तो रिजल्ट आता 1, अब ये लगा हुआ कहां तक है, 6 तक है। तो इस रेंज में खाली सेल की संख्या कितनी है, 2 है। ये जनरली सबको पता है कि काउंट ब्लैंक उन सेल को काउंट करता है जो बिल्कुल दोस्तों क्या होते हैं, खाली होते हैं। और खाली सेल की बात करें तो 1 और 1 है, 2 खाली है। इस रेंज में कोई भी खाली नहीं है, तो इधर रिजल्ट क्या आया हमारा, 0 आया। काउंट फंक्शन क्या करेगा, उन सेल को काउंट करेगा जिसमें नंबर होते हैं, काउंट ब्लैंक उनको काउंट करेगा जो क्या होते हैं, बिल्कुल दी गई रेंज में खाली होते हैं। ये तो 2 फंक्शन थे, एक काउंट है और एक कौन सा है, काउंट ब्लैंक है। अब अपन बात करते हैं इसी के पार्ट में तीसरा जो फंक्शन है, आगे देख लेते हैं फ्रेश पार्ट पे। एक ये चीज है कि जो सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं मेरे साथी जितने भी है, तो भविष्य कोचिंग के लिए ये मेरे द्वारा लिखी गई सूचना सहायक के लिए क्या है, इसमें केवल और केवल टेक्निकल पार्ट है, कंप्यूटर का पार्ट है ये पुस्तक, आप जो भी अगर तैयारी करना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये सबसे नवीनतम वर्जन पर आधारित है, MS Office का। इसमें वर्जन कौन सा है, 2021 है, ठीक है। तो आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं सूचना सहायक एग्जाम के लिए। एक छोटी सी जानकारी और कि जो भी साथी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो भविष्य कोचिंग के एप्लीकेशन पे राजस्थान पुलिस के कंप्यूटर विषय का संपूर्ण सिलेबस है, वो लाइव है, आप वहां जाकर डेमो क्लास भी देख सकते हैं। अब अपन बात करें किसके बारे में, काउंट ए के बारे में। बहुत अच्छा सवाल है, काउंट ए, काउंट ए के बारे में। ये हमारी कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन क्या बनाती है, कॉलम बनाती है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बनाती है, रो। रो और कॉलम जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां क्या बनता है, सेल बनता है। कॉलम का क्या होता है, लेबल होता है। कॉलम का क्या है, लेबल। रो का क्या है, नंबर। और सेल का हमारा क्या होता है, एड्रेस होता है। अब जो फंक्शन समझने जा रहे हैं वो आज के समय में एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले जैसे मान लो यहां लिखा हो 15 और ये देखिएगा जो आप नंबर लिखते हैं वो किस साइड लिखे जाएंगे, राइट साइड बॉटम। जैसे मान लो आपने ए लिखा, यहां 16 लिखा और आपने हैश लिखा और यहां आपने लिख दिया जैसे 7, और इनको आपने इस तरीके से लिखा है। पहले वैल्यू क्या है, 15 है, फिर ए है, फिर 16 है, फिर हैश है और फिर 7 है। अब जो फंक्शन लगाना है वो कौन सा लगाना है दोस्तों, काउंट ए, काउंट ए। काउंटा भी बोल सकते हो, काउंट ए भी बोल सकते हो। रेंज क्या है बताइएगा, 5 तक लगाना है इसको अपनों ने, तो B1 से B5 की रेंज है। B1 से B5 की हमारी रेंज है, B1 से लेकर B5 की रेंज है। अब इसका आंसर क्या होगा ये बताइएगा आप, क्या आना चाहिए, 1, 2, 3 आना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 आना चाहिए, क्या आना चाहिए आंसर। ये सवाल बहुत अच्छा है, तो ध्यान देना। काउंट ए फंक्शन क्या करता है, काउंट ए फंक्शन क्या करता है, उन सेल को काउंट करता है जिनमें क्या होते हैं, इन सेल को काउंट करता है जिनमें क्या होते हैं, नंबर प्लस क्या होते हैं, टेक्स्ट। और टेक्स्ट का मतलब यहाँ ए से जेड से है और किससे है दोस्तों, सिंबल से होता है। टेक्स्ट का मतलब ए से जेड और क्या है, सिंबल से है। तो काउंट फंक्शन तो केवल उन सेल को काउंट करता है जिनमें केवल क्या होते हैं, नंबर होते हैं। लेकिन काउंट ए फंक्शन उन सेल को भी काउंट करता है जिनमें नंबर होते हैं, उन सेल को भी काउंट करता है जिनमें टेक्स्ट होता है, चाहे सिंबल हो चाहे कोई अल्फाबेट हो। तो अब आंसर क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, हमारा आंसर क्या आएगा, 5। अगर यहां काउंट लगा होता तो क्या बताता,
एक दो और तीन काउंट केवल वैल्यू को काउंट करता है और काउंट ए वैल्यू के साथ साथ उन सेल को भी काउंट करता है जिनमें क्या होता है टेक्स्ट होता है। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपने काउंट ए का। देखिएगा यहां जैसे लिखा हो फॉर एट द रेट 3, 6 और 9। अब इसको लगाना कहां से कहां तक है, रेंज पहले देख के। देखिए पेपर वाले कई बार ये भी दे देते हैं कि वैल्यू ज्यादा बता देंगे और रेंज कम में लगवा लेंगे, आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो पहले देखना कि फंक्शन काम कहां से कहां तक कर रहा है। अब देखिए कौन सा फंक्शन है, काउंट ए फंक्शन है। काउंट ए फंक्शन की अगर बात करें तो रेंज लगा लेते हैं अपने डी वन से लेकर डी सिक्स की, डी वन से लेकर D6 की। तो आप बताइए D1 से लेकर D6 क्या करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आंसर होगा या 1, 2, 3, 4, 5। काउंट ए फंक्शन खाली सेल को काउंट नहीं करता, केवल उन सेल को काउंट करता है जिनमें नंबर और टेक्स्ट होते हैं। तो किनको काउंट करेगा, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमारा रिजल्ट दोस्तों क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसमें भी क्या आया, 5 और इसमें भी क्या आया, 5। तो यहां पर एक सेल क्या है, खाली है, इसको काउंट करवाना है तो किसके पास जाना पड़ेगा, काउंट ब्लैंक के पास है जाना पड़ेगा। अब एक सवाल मैं आपको बता देता हूं, आप मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि एक इसी तरीके से ये आपके सामने सीट है, आप बताएंगे ये तीनों सेल मैं आपके सामने लिख के दे रहा हूं इसके अंदर और तीनों का रिजल्ट क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे पहले देखें तो कॉलम के तो हमारे क्या होते हैं, लेबल होते हैं। कॉलम के क्या है, लेबल है। रो के हमारे क्या होते हैं, नंबर है। और सेल के क्या होते हैं, एड्रेस है। तो यहां पर एक फंक्शन लगा है, जैसे मान लो फॉर ए 5 और 6। अब ये रेंज है C1 से C5। तो सबसे पहले अभी इसको कमेंट बॉक्स में आप जवाइएगा, सबसे पहले देख लेते हैं काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन की रेंज बताइए C1 से लेकर C5 तक, तो इसका रिजल्ट क्या होगा ये आपने बताना है, काउंट ब्लैंक। फिर रेंज है C1 से लेकर C5, इसका रिजल्ट क्या होगा। फिर आप बताइएगा काउंट ए, रेंज है C1 से लेकर C5 है। इन तीनों के आप जवाब है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा और इसका क्या होगा। तो आज ये थी दोस्तों बात किसके बारे में, काउंट के बारे में, काउंट ब्लैंक के बारे में और काउंट ए के बारे में। अब एक सवाल और पूछ लिया जाता है कि ये जो तीनों फंक्शन सर आप पढ़ा रहे हो, काउंट है, काउंट ब्लैंक है या फिर काउंट ए जो फंक्शन है, ये काउंट है, काउंट ब्लैंक है और काउंट ए, ये जो तीनों फंक्शन है दोस्तों ये एक्सेल में किस कैटेगरी के अंदर है, तो आप बता देना ये किस कैटेगरी के फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शन है। कौन से फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शन कैटेगरी के फंक्शन है। स्टैटिक का मतलब ऐसे फंक्शन जो संख्या पर आधारित होते हैं, संख्या पर काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्टैटिक फंक्शन। तो कई बार ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन से फंक्शन किस पर आधारित है या उसका रिजल्ट क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों पार्ट आपको क्लियर हुए होंगे, काउंट, काउंट ब्लैंक और काउंट ए। छोटी सी समरी बता देता हूं तीनों की, काउंट फंक्शन उन सेल को काउंट करेगा जिनमें ए 0 से लेकर 9 तक नंबर लिखे होंगे, उन सबको काउंट करके बता देगा कि कितने सेल में नंबर लिखे हुए हैं। काउंट ए फंक्शन क्या करेगा, उन सेल को काउंट करके बता देगा जिनमें नंबर भी होते हैं और टेक्स्ट यानी कि कोई सिंबल हो तो भी काउंट कर लेगा, और 0 से लेकर Z तक कोई वैल्यू हो तो उसको भी काउंट कर लेगा। काउंट ब्लैंक क्या करता है, उन सेल को काउंट करता है जो बिल्कुल पूरी रेंज में क्या होते हैं, खाली होते हैं। तो उनको काउंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक विशेष ध्यान रखना केवल और केवल खाली सेल को ही काउंट करता है, चाहे उसमें किसी सेल में नंबर लिखा हुआ है तो भी काउंट नहीं करेगा और टेक्स्ट लिखा हुआ तो भी काउंट नहीं करेगा। बिल्कुल जो खाली सेल है दोस्तों उसको काउंट करने के लिए कौन सा फंक्शन है, काउंट ब्लैंक फंक्शन है। तो हमने एक्सेल के अंदर काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक के बारे में भी बात की। आपको ये जानकारी कैसे लगी आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा और मेन कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो भी साथी लाइव बैठे हैं क्लास को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। इसी तरीके से आपके शेयर करने से, आपके कमेंट करने से रोजाना मुझे लगता है कि एक हर एक अच्छे दिन कोई अच्छा सा कंसेप्ट आप सबके लिए लेके आया जाए। तो इसी में अपने आगे एक्सेल के अंदर और महत्वपूर्ण फंक्शन पे बात करेंगे, फिर अपने ये जो सीरीज है वो अपने HTML पे शुरू करेंगे सूचना सहायक के लिए। तो ये थी आज की क्लास,
मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, लेकिन शेयर करना न भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।